बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है होममेड पिज़्ज़ा। ये हमारे पास यीस्ट क्वार्टर टीस्पून यीस्ट ले रहे हैं हम, क्वार्टर टीस्पून यीस्ट। इसके लिए हम लेंगे शुगर, ये भी फुल नहीं लेनी, इससे थोड़ी सी कम। शुगर, सॉल्ट लेंगे हम, हाफ टीस्पून। ये देखिए एक कप वाटर, अब इसको हम ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करके ऐसे भी रखेंगे कुछ के लिए। करेंगे थोड़ा सा, मैं कुछ चम्मच के साथ बता देता हूँ, 1 स्पून एंड 2 स्पून, 2 स्पून कुकिंग ऑयल कोई भी डाल दें, ओलिव ऑयल है ओलिव ऑयल डाल दें। अब इसको हम इसके लिए रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, कि जो सी यीस्ट अच्छी तरह से फूल जाए, ठीक है, इसका कलर सही व्हाइटिश सा हो जाएगा। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब हम इस पानी में मैदा ऐड करते जाएंगे, इसको साथ साथ हलाते जाए जब तक ये सही। मशीन होती थी क्योंकि हम उस पर वहाँ पे डालते थे और वो एक मेजरमेंट होता है उसका, तो इसमें जैसे घर का है ना उसकी तरह से थोड़ा सा वहाँ पे रखना, उसमें हल्का सा नरम, उसको आपने ओवरनाइट के लिए रख देना। अगर आपने उसी वक्त बनाना है तो फिर यीस्ट की थोड़ी सी उसकी मिकदार ज़्यादा करते हैं। ये मेरे साथ मेरी बेटी कितना देख रही है कि डैडी क्या कर रहे हैं। अब्दुल कीम साहब आज हमारे कैमरा मैन हमारे साथ बना रहे हैं मूवी आज। इसको जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे इसकी ऐसे लगा रहे, हमारा उधर 800 ग्राम का एक पेड़ा होता था, मतलब इस साइड को 800 ग्राम दो होती है ना, उसमें हर चीज की एक क्वान्टिटी हल्का सा पतला थोड़ा सा इसमें हल्का सा मैदा होता रहेगा थोड़ा सा बस, बस। वहाँ से 10 मिनट के लिए भूनते हैं इसको, इसको मैं इसको पक्का में दिखाता हूँ कि शेप कैसे बने। पक्का आपने थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाने थे साइड पे, ठीक देखो थोड़ा सा तेल लगा के ना फिर इसको भूनेंगे। हमने पराठे को डिवाइड कर दिया है, ये बहुत ज़्यादा नहीं भरना, आप इसको ऊपर से कवर करके ना हम इसको अब रख देंगे बाहर ही फ्रिज में, जरूर नहीं रख लेंगे आपको, आपकी मर्जी है, नीचे फ्रिज वाले खाने भी रख सकते हैं, बाहर भी अच्छा है, बाहर में जल्दी फूलता है, ठीक है। ये बन गया, अब इसको वेट करते हैं, इसको ओवर नाइट फिर आपको दिखाते हैं। Tell me, tell me, tell me, tell me.
love.